वो क्या चीज है, उनको मेडिकल सिक्योरिटी है क्या? आप क्या बोल रहे हो, घंटा बोल रहे हो क्या? क्या बोल, घंटे की बात कर रही है महिला? आपके पिताजी सारी जिंदगी मजदूरी करे ना, 20 से 25 लाख नहीं जोड़ पाएंगे, समझ आए? इनके पिताजी की आयु अगर 40 वर्ष है, 45 वर्ष है, सियाचिन पर चढ़ जाएंगे, हवा निकल जाएगी। सेना के खिलाफ देश के सेना का मॉरल डाउन। What do you mean of घंटा? लैंग्वेज देखो महिलाओं के। राहुल गांधी लगातार जब सेना पे सवाल उठाते हैं तो सत्ता पक्ष हिल क्यों जाता है? नहीं एक बात बताओ, सेना पे सवाल उठाते हैं, आज अग्निवीर की चिंता इतनी हो गई कि सेना प्रमुख डीआईजी को आकर के बताना पड़ा 98 लाख रुपया दिया जा चुका है, उनके पिताजी को आकर के बताना पड़ा हमें मुआवजा मिल चुका है, और राहुल गांधी झूप का एजेंडा चलाते हैं। और ये सेना के प्रति इनका प्यार जो उभर रहा है, ये तब का था जब मेरी सेना को पत्थर मारे जा रहे थे, ये तब का था जब मेरी सेना तिरंगे में लिपट के आ रही थी, ये तब का था जब मेरी सेना बम धमाकों में शहीद हो रही थी, ये तब का था जब सरबजीत जैसे की लाश आ रही थी शहीद होकर के, और आज अभिनंदन जैसा शूरवीर का 24 घंटे में बात आता है तो इनको सेना की याद आती है। कहाँ थी सेना? इनका इकलौता लड़का राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव क्यों सेना में भर्ती नहीं हुए? क्यों नहीं भर्ती हुए बताओ? मोदी जी का कोई लड़का है? कौन है मोदी जी का लड़का बताओ? क्यों बताओ? क्यों नहीं है? अरे जब बीवी को नहीं रखेंगे तो बच्चे कहाँ से हो गए? ये पर्सनल हो जाएगा, पर्सनल बोल लेना, ये तो ये पर्सनल बोल लेना दूसरे को। आपको खराब नहीं अग्निवीर? अग्निवीर आपको क्यों लगेगा मैं खराब? जिन्होंने बीवी रखी है वो तो मूर्ख पैदा करके बिठा रहे हैं। नाम उनका पप्पू, मन बुद्धि बालक, शहजादे, ऐसे तो नाम दिए जा रहे हैं। और उसको देखो, सांसद ने मुद्दा करना चाहिए, मोदी जी आपने 22 एम्स बनाए, 44 कब कर रहे हो? आपने एक्सप्रेसवे की 300 सौगात बढ़ाई, इसको डबल कब कर रहे हो? आपने मेडिकल कॉलेज बढ़ाया, इसको डबल कैसे कर रहे हो? SC ST OBC का विकास कब होगा? कब ये रिक्शा बेरोजगारी मजदूरी से उभरेंगे? ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा कहाँ चला जाता है? फ्लैंक किस्सों पे, जफियों पे, आंख मारने पे। ये एक सांसद की कार्यशाली होनी चाहिए, सांसद के और नेता विपक्ष बना करके बिठा दिया उनको। अरे भैया इससे अच्छा ना नोवी फेल हो तेजस्वी को बिठा देते, कम से कम आंख तो ना मारता। तो ये मूर्ख चीज सर, वो ये भी कहने लगते हैं ना कि बार बार एक चीज ये समझाइए कि ये ना युवाओं को यूज एंड थ्रो कर रहे हैं अग्निवीर में, ऐसा क्यों करते हैं भाई? कर्नाटक के युवाओं को कौन यूज एंड थ्रो कर रहा है? हिमाचल के युवाओं को कौन यूज एंड थ्रो कर रहा है? तेलंगाना के युवाओं को कौन यूज एंड थ्रो कर रहा है बताओ? ये कैंपा की बोतल नहीं है कि पी क्रश एंड यूज एंड थ्रो। वो सेना के जवान है, वो गर्व है हमारे लिए। अगर 100 सेना के जवान अग्निवीर चूज किए जाते हैं ना सर, चुने जाते हैं, 10 परमानेंट भी जाएंगे, 90 जो है 20 से 25 लाख रुपया उनको दिया जाता है स्किल के लिए, स्टार्टअप के लिए, ताकि आप अपना करो। और इन भाई को पता नहीं होगा, स्टार्टअप इंडिया के तहत 12 से 15 कंपनी ऐसी हैं जो 8000 करोड़ से ऊपर की गई, जिनको यूनिकॉर्न का टैग मिला, कैसे चली गई? इंडिया में है कितने यूनिकॉर्न? इंडिया में है कितने नहीं है? 1000 से ऊपर चले गए। घंटे यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं लोग हैं तो आप क्या समझा रहे हो? क्या समझा रहे हो? क्या समझा रहे हो? नौकरी का ख्वाब देखोगे तो आप जीवन में नहीं जाओगे, आप जीवन में नहीं जाओगे। इंफ्रास्ट्रक्चर माइनस में जा रहा है, सब चीज माइनस में जा रहा है। आप क्या कैसा लगता है घटिया अग्निवीर? आप युवा सोशल सिक्योरिटी है ना, कुछ भी कुछ नहीं है अग्निवीर, आपको कैसा? एकदम घटिया, एकदम कुछ सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। मैडम भारत में रह रहे हो? उसी में मैडम भारत में ही रह रहे हो? भारत में ही रह रहे हैं, पहुंच गए नहीं बताओ तो फिर सिक्योरिटी नहीं है? कितने केस आप देख रहे हो? अग्निवीर की बात चल रही है, अग्निवीर की बात, क्या सोशल सिक्योरिटी दिए हैं? उनके परिवार को क्या दे रहे हैं? उनको पेंशन है क्या? उनको क्या चीज है? उनको मेडिकल सिक्योरिटी है क्या? आप क्या बोल रहे हो, घंटा बोल रहे हो क्या? घंटे की बात कर रही है महिला, पर्सनल क्या? पिताजी सारी जिंदगी मजदूरी करे ना, 20 से 25 लाख नहीं जोड़ पाएंगे, समझ आए? उनको दिया जा रहा है स्टार्टअप के तहत। दूसरी बात, एक बात बताओ, इनके पिताजी की आयु, इनके पिताजी की आयु अगर 40 वर्ष है, 45 वर्ष है, सियाचिन पर चढ़ जाएंगे, हवा निकल जाएगी, 17 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे। अगर अपने ही घर की 17 सीढ़ियां चढ़नी पड़ जाए ना इनके पिताजी को, जो यहाँ का चार साल में लोग मर जाए और आप ये करते रहिए, क्यों नहीं मरे? कितने अभी के आपने शहीद देखे बताओ मुझे? अभी पंजाब हमले देखे बताओ? देखे हैं, अभी पंजाब में 4 जो परिवार के आए हुए हैं कि हमको नहीं मिले ना शहीद का टैग मिला ना कुछ भी, टीवी नहीं, सब चीज देखे। आप क्या देखते हैं?
98 लाख का अमाउंट होता है, पता है आपको मैडम? सारा आईटी सेल, जी न्यूज, आज तक सब आईटी सेल है। भाई साहब, भाई साहब, मैडम अजीत अंजुम को देखती है, मैडम न्यूज नहीं देखती, इसीलिए इसलिए ये हाल है। अभी इसे पूछो, इनसे पूछो, ये कह रही है पंजाब पंजाब पंजाब, जब राहुल जी झूठ बोलते हैं सेना के खिलाफ, सेना के खिलाफ, सेना के खिलाफ, देश के सेना का मॉरल डाउन। देश की सेना का मॉरल डाउन करने का ठेका राहुल गांधी ने लिया। देश की सेना का एक करोड़ रुपया नहीं मिला, ये बताओ भाई साहब, झूठ। सुनिए, रविश कुमार को छोड़ दो, देखना अजीत अनुमन को छोड़ दो। अजीत अनुमन आपका कह रहा था योगी जी दूसरी बार सीएम बने, मैं बल्ली मरान में पकौड़े बेचूंगा। ये महिला, आप कह देंगे आप क्या बंद करने सो जाएगा सर महोदय, ये महिला, और महिला ने अपनी दो बार विचारधारा के अंदर बोल दिया घंटा घंटा। What do you mean of घंटा? लैंग्वेज देखो महिलाओं के, देखिए अब ये महिला हो रही है, और पूरा देश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कह रहे हैं महिला के सम्मान की बात, 33% आरक्षण दे रहे हैं, और ये इतने पुरुषों के अंदर अपनी विचारधारा देखो कैसी प्रकट कर गया, इनकी वाणी के अंदर आप देख रहे हो कैसे है, जैसे पता नहीं राहुल गांधी ने इनको सोने की शर्फियों में बिठा दिया हो। मैंने एक छोटी सी बात बोली, अग्निवीर योजना है, सियाचिन हमारे देश की एक जगह है जहां पर चीन घुस रहा है, क्या वहां पर एक 45 साल का जवान, एक 50 साल का जवान जा सकता है, या उसकी अपेक्षा है तू 20 से 22 साल का जवान जल्दी जा सकता है? इनके खुद के पिताजी 17 सीढ़ियां होंगी ना घर की, फर्स्ट फ्लोर की, वो नहीं चढ़ पाएंगे, हाँप जाएंगे। ये सच्चाई है, कहाँ रह रहे हो आप? दिल्ली जैसे शहर में, आप फॉरेन कंट्री में नहीं हो जहाँ का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, जहाँ आप 60-70 साल के लोगों तो दौड़ लगा रहे हो, पहले घर में देखो अपने, घर में नहीं खाने को और चले बनाने को। अरे यार तथ्यों पे बात करो, ये कह रही है मैडम कुछ नहीं हुआ, अग्निवीर कुछ नहीं हुआ, अरे मैं कह रहा हूँ कितने हमारे सेना के जवान तिरंगे में आ गए मुझे बता दो। आज एक आतंकवादी हमला जम्मू के अंदर हुआ वैष्णो देवी में, सबको पता है वैष्णो देवी कटरा में अगर बस जा रही है तो उसके अंदर भक्त कौन है, कौन है तो उस पर हमला करने वाला कौन है? कश्मीरी मुस्लिम जो उनका घर में पनाह दे रहा है, खाना खिला रहा है, वो कौन है? ये मैडम को मेरे आग देखी मक्खी निकल रहे हैं, ये कह रहे हैं पूरे हिंदू जो आप कबूतर बन के बैठ जाओ और बिल्ली आ रही है और ये मैं विश्वास दिलाती हूँ वो बिल्ली आपको खाएगी नहीं। सर वो बिल्ली खाएगी, वो बिल्ली खाएगी। आज राहुल गांधी जी इतना दिन हो गया सांसद के अंदर, झूठ 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 के अलावा क्या उन्होंने बोला सत्य एक बार बताओ? इन्होंने कहा जातल सेतु के अंदर दरार आ गई, वहां जाकर के उसके इंजीनियर को आकर बताना पड़ा भैया कौन सी दरार आई है, हमने तो पूरा अटल सेतु छान दिया, सर्विस रोड के अंदर आई। अग्निवीर पे बोला, उसके पिताजी ने जाकर के बोला हमारे को इतना पैसा मिल चुका है, सेना के DIG ने आकर के बयान दे दिया। उसके बाद एक अयोध्या के अंदर माता जी का इन्होंने बोला घर उड़ा दिए, कुछ नहीं मिला, वो माता जी का दोबारा से बयान आता है कि उस समय हम घबराए हुए थे जब एक अफवाह फैलाई जा रही थी, लेकिन उसके बाद हमें मुआवजा भी मिला, घर भी मिला और व्यवहार करने के लिए जगह भी मिली। तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? क्या अयोध्या के अंदर आज से पहले 50 लाख रुपए की जमीन थी? ये राम मंदिर बना तभी बनी ना यहाँ, बताओ। आज राहुल गांधी जी भोले शंकर का चित्र लेकर के आते हैं, वो राम जी का ही तो जप करते हैं, भोलेनाथ जी जब तपस्या में लीन होते हैं तो वो राम 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 का जप करते हैं। कई लोग कहते हैं शमशान के बाहर राम जी भोलेनाथ की प्रतिमा क्यों होती है, वो कहते हैं जब मैं मंदिर जाता हूँ तो राम राम कई बार सुनता हूँ, जब मैं भक्तों के बीच जाता हूं तो राम राम कुछ समय के लिए सुनता हूं, लेकिन जब मैं शमशान जाता हूं तो वहां 24 घंटे राम राम सत्य चल रहा होता है, इसलिए उन्होंने वहां विराजमान हो गए। ये है शिव जी का सत्य, ये क्या बताएंगे शिव जी के बारे में, ये क्या बताएंगे जिनको जल अभिषेक करना नहीं आता, जो आए दिन हिंदुओं की सनातनियों की आस्था से छेड़ते हैं। हम तो कहते हैं ये चुनाव चिन्ह ने वोट है ना हमारे, वोट डालने का जो राइट है, हम तो कहते हैं इस वोट के दम पे ऐसा मारो सनातनी विरोधियों का भाला कि जीवन में याद रखे किस हिंदुओं से पड़ा था पाला। हम तो ये बात करते हैं, जो ताकत उंगली कर सकती है उसके लिए तलवार की क्या जरूरत है, जो काम सुई कर सकती है उसके लिए तलवार की क्या आवश्यकता है, लेकिन कम से कम अपनी ताकत तो समझो एक वोट की। आज जिसको तुमने विश्वास कर करके सांसद के अंदर बिठा दिया कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष एक अच्छा मजबूत होना चाहिए, लेकिन अच्छा ऐसा नहीं जो मुद्दा होगा तो बात करेंगे ना। अग्निवीर को वो कह रहे थे जाके मिल के आए, वही अग्निवीर से उनके पिताजी ने कहा नहीं मिला। मुद्दे सभी भटकाए बैठे हैं, आपसी कमजोरियां भुलाए बैठे हैं,
ठीक है, कब हटे मोदी और लूट खाए देश को, यही सभी चोर ध्यान लगाए बैठे हैं। ये तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मोदी कब हटे और हम आए। ये जो सोटन सोना है ये हमारे लिए आया है, ये इन्हें सीएसटी ओबीसी के लिए थोड़ी ना आया है, इसके लिए हमारी माताओं के लिए, मेरी आने वाली वाइफ के लिए सोने के हीरो के हार बनेंगे। तुम्हारे मनमोहन सिंह जी वेल एजुकेटेड अर्थशास्त्री थे, क्या वो सोना गिरवी रखवा रहे थे? और जिसको तुम नोबी फेर राजा कह रहे हो वो सोटन सोना ला रहा है। तुम्हारे कार्यकाल के अंदर सरबजीत की गर्दन आ रही थी, वो 24 घंटे के अंदर अभिनंदन ला रहा है। तुम्हारे कार्यकाल के अंदर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आज समर्पण किया था, तुमने उसको छोड़ दिया। क्या पाकिस्तान से हमारे सेना के जवान वापसी आ पाए? तड़प तड़प के मार दिया उन जाइलों ने, आ पाए, लेकिन कुवैत से फांसी रुकवा के 7 सैनिक भारत लौटे। ये है ना मोदी का जज्बा। हम कहते हैं मोदी हमारा रिश्तेदार नहीं है, ना हमारी बुआ का लड़का है, उसके काम हमें अच्छे लगते हैं। जो उसने 10 सालों में कर दिया आपका पूरा खानदान 70 सालों में नहीं कर पाया। कुछ चाटुकार आएंगे कहेंगे उनके स्कूल में पढ़ लिए, उनके अस्पताल में स्वास्थ्य ले लिया, उनके नाम पे डिग्रियां ले लिया, तुम कह रहे हो उन्होंने कुछ नहीं। अरे स्कूल अगर उन्होंने इतने अच्छे लगाए थे, इतने अच्छे बनाए थे, तो प्राइवेट स्कूल बनाने की दिक्कत कहाँ से आई? अगर सरकारी स्कूल इतने अच्छे थे, उनकी छतें गिरती नहीं थी बच्चों पे, उनके अंदर कॉकरोच सांप नेवले आते नहीं थे, तो प्राइवेट स्कूल की आवश्यकता क्यों थी हमें बताओ राहुल गांधी? तुम्हारे सरकारी अस्पताल इतने अच्छे थे, इतना अच्छा इलाज था, तो प्राइवेट अस्पताल की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों बना मैक्स, क्यों बने ये बड़े बड़े अस्पताल प्राइवेट, जो खून चूस चूस के लोगों का पैसा ले लेते हैं? सर इनका पता क्या है चाटुकारों का और चमचों का, कि आप इनको एक किडनी डोनेट कर दो और गलती से वो किडनी इनके पेट में फिट नहीं हुई, तो ये कहेंगे साले ने गलत किडनी दे दी, मुझे मरवा दिया। अबे मर तो तू पहले ही रहा था, तुझे जीवन देने का काम किया, वही काम मोदी कर रहा है। 5 किलो राशन दे रहा था, इन्होंने 10 किलो राशन का हान कर दिया, जो कल तक कह रहे थे 80 हजार करोड़ जनता भूखी है। तो मूर्ख 8500 का है, वो किसानों को 17वीं किश्त पहुंच गई, किसानों को 17वीं किश्त पहुंच गई, क्योंकि वो काम वाला है, ये नाम वाले है। तुम्हारे 3 राज्यों में सरकार है ना, 5000 रुपये दे दो महिलाओं को, दे दो। और खास तौर तो मैं कहता हूँ 50,000 महिला एग्री हो जाएंगी। जो महिला तुम्हारे पास आई थी ना रोती हुई कि मेरा पति मुझे मारता है क्योंकि मैं उसको खाना नहीं देती, अबे उसको बिरयानी खिला वेज, उसको मटर पनीर खिला, मेरे से भी ले जा 8500 बिल्कुल दे दूंगा। सर देश के लिए नहीं देंगे तो किसके लिए देंगे? वन टाइम देना है ना, जीवन भर तो मैं इनकी पेंशन बांध नहीं दूंगा, लेकिन एक बार अपने देश के हित के लिए तो दे ही सकता हूँ।